श्री राम। भगवान नाम स्मरण में नित्य मन लगा रहे, कृपया सरल उपाय बताएं। सरल उपाय यही है, नाम जप से ही नाम में रुचि होती है। नाम निरूपण नाम जतनते, अगर नाम की महिमा का हमको बोध है। वैसे तो सभी शास्त्रों में भगवत नाम की महिमा का उल्लेख मिलता है। जितना भी कर्म कांड है भगवान के नाम से ही प्रारंभ होता है और नाम से ही पूर्ण होता है। फिर भी हम सबको नाम में रुचि जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। उसके पीछे कारण हमारे मन मस्तिष्क में नाम की महिमा जो है वो समाई नहीं है। अगर वाल्मीकि जी के अर्थात रत्नाकर, बाद में उनका नाम वाल्मीकि हुआ, पहला नाम तो उनका रत्नाकर ही था, जब सप्तऋषियों के द्वारा भगवत नाम जपने की आज्ञा मिली तो उन्होंने इतना तल्लीनता से नाम जपा कि पूरे शरीर में दीमक, जिसको संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है, उसने पूरे शरीर को ढक दिया। शरीर अस्थि मात्र रह गया, फिर भी तत्पि मनाग मन ही नहीं पीरा, फिर भी मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं, इतना नाम में मन लगा। हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है, उसके पीछे मूल कारण है कि हमारा कुछ पाप है जो हमको नाम में नहीं लगने दे रहा है। वैसे पहले वाल्मीकि जी का उदाहरण देकर यही समझाने की कोशिश की गई कि वाल्मीकि जी इतना भयंकर पाप किए थे, कितने साधु ब्राह्मणों को लूट के यज्ञोपवीत का ढेर लगा दिया था और अन्य पथिकों की तो गन्ना ही नहीं है, इतने पथिकों को लूटते थे, किसी किसी का तो वध भी कर देते थे। इतना भयंकर पाप करने के बाद भी भगवत नाम में उनकी दृढ़ निष्ठा हुई। फिर भी अगर हमारा मन भगवान के नाम में नहीं लग रहा है तो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म का जो हमारा पाप है वो इतना अधिक है, वाल्मीकि जी से भी अधिक है, जो हमको नाम में रुचि नहीं आने दे रहा है। और रुचि लाने के लिए नाम जप ही उपाय है, मन लगे या ना लगे। औषधि का हम सेवन करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि मन लगेगा औषधि स्वादिष्ट होगी तभी हम ले सकते हैं। जिस भी प्रकार से हो औषधि लेनी चाहिए। राम नाम एक औषधि, राम नाम ही एक ऐसी औषधि है जिससे ये कितने ही जघन्य से जघन्य अपराध हों, पाप हों, वो सब दूर हो जाते हैं। हम अगर वाल्मीकि जी से भी अधिक भयंकर पापी हैं वो तो भी नाम महाराज जो हैं हमको कृपा करके नाम की महिमा, पहले नाम जब से नाम का अर्थ समझ में आता है, फिर उसके बाद उसकी महिमा उसका गौरव का बोध होता है, और उसके उपरांत नाम महाराज अपने नामी को अर्थात परमात्मा को प्रकट कर देते हैं। तो बस उपाय यही है, नाम जप। श्री राम। उन मुनि दृष्टि से सोम भाव देखे, स्वामी जी ने दृष्टि पर बहुत जोर दिया। भावों की उत्पत्ति विचार वातावरण परिस्थितियों पर निर्भर रहता है।
जो मरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधारा नहीं वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं प्यास प्यार की महत्वपूर्ण है, संस्कार व संस्कृति की आज विघटन का कारण सुधार कैसे संभव है, उन्मुनि दृष्टि बनाए रखने की समझ बताइए। देश धर्म की बड़ी जिम्मेदारी सबकी है। मतंग बाबा हैं, वृद्ध हो गए हैं, मन में जैसा जैसा आता रहा वैसा वैसा लिख दिया है। उन्मनि दृष्टि, जिसको सांभवी मुद्रा भी कहा जाता है, परमात्मा के लिए पूर्ण रूपेण समर्पण करके अंदर से ये भाव हो कि ये शरीर जो है परमात्मा के द्वारा संचालित हो रहा है, हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इसके स्वामी नहीं हैं। सबसे पहली बात शरणागति है, परम आवश्यक है। उसके बाद सांभवी मुद्रा अथवा मोहन मुद्रा, उन्मुनि दृष्टि, कुछ भी कहें, नेत्र में लगभग बंद जैसे होते हैं, उसमें दो प्रकार से उन्मुनि दृष्टि होती है, या तो ऊपर की तरफ महात्माओं का सत्कार करो, सीधा सिरा, पहले भोजन इत्यादि कराओ उनको, उन्मुनि दृष्टि के विषय में कहा जा रहा था, सांभवी मुद्रा जिसको कहा जाता है। नेत्र बहुत कम खुले होते हैं और नीचे की तरफ दृष्टि होती है अथवा ऊपर की ओर दृष्टि होती है, वो केवल व्यक्ति अपने नज़दीक का ही देख पाता है, दूर का नहीं देख पाता और ना देखने की चेष्टा होती है, इस प्रकार की उन्मुनि दृष्टि कहलाती है। उस प्रकार की मुद्रा में बैठकर परमात्मा के शरणागति के भाव को दृढ़ करके अपने आप को ढीला छोड़ देना है। जिस प्रकार से शरीर में प्राण ही नहीं है, इस प्रकार की स्थिति में अपने आप को छोड़ देना है और फिर देखना है क्या होता है। साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से अलग हटके, शरीर से अलग हटके अपने आप को रखना है और देखना है कि अब क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में एक घटना घटित होती है और वो घटना अर्थात हमारा जो सूक्ष्म जीवात्मा है, शरीर से बाहर होकर दृष्टा भाव से शरीर को देखने लगता है। एक शरीर में चेतना जो है वो अपना कार्य करती रहती है, परंतु ये जो मन बुद्धि हैं ये जीवात्मा का स्वरूप धारण करके शरीर से बाहर होकर दृष्टा भाव से देखते रहते हैं। तो योग का विषय है ये, अभ्यास करने से आता है। और तो इनके प्रश्न में देश धर्म की बड़ी जिम्मेदारी सबकी है, ये बात सही है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है राम जी ही राष्ट्र हैं, राष्ट्र ही राम जी हैं,
जिस देश में जिस मिट्टी से हम पले हैं, जिस देश में हमारा जन्म हुआ, जिस जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यसि, तो जन्मभूमि जो है, अपना देश जो है, अपना राष्ट्र जो है, वो सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, और उसके लिए अपने मन में गौरव की बुद्धि होनी चाहिए, अपना दायित्व, अपना कर्तव्य, क्यों जिस राष्ट्र के हम नागरिक हैं उस राष्ट्र का सब प्रकार से सम्यक प्रकार से विकास हो, अभ्युदय हो, और जिससे सभी राष्ट्र के नागरिक, सभी राष्ट्र में रहने वाले एक ऐसा शांति का जीवन जी सकें जैसा रामराज में सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब लोग आपस में प्रेम और सौहार्द के भाव से रहते थे, कोई किसी के प्रति बैर बेमनुष्य का भाव नहीं रखता था, सब एक दूसरे के प्रति प्रेम सौहार्द का भाव, प्रेम का मतलब ये होता है प्रेमास्पद की प्रसन्नता ही अपनी प्रसन्नता होती है। श्री राम, श्री राम। अर्थात एक दूसरे के प्रति सभी एक ही भाव रखें कि सबका किस प्रकार से अभ्युदय होगा, सबका किस प्रकार से कल्याण होगा, सब अपने जीवन का जो निःश्रेयस है उसकी प्राप्ति कैसे करेंगे। जब सबके मन में इस प्रकार की भावना होगी तो सभी उन्नत होंगे। कुछ वर्ग चाहेगा, कुछ वर्ग विरोध में खड़ा होगा तो समस्या बन जाती है, फिर भी हम सबको दूसरा क्या कर रहा है इसकी तरफ न देखकर हमें अपने आप को सुधार लेना है। हम सुधरेंगे, राष्ट्र सुधर जाएगा। हम दूसरों को देखते रहेंगे तो उससे ना तो हम राष्ट्र की कोई सेवा कर पाएंगे, दूसरों के दोष दुर्गुण वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे और हम बिगड़ जाएंगे। इसलिए दूसरों में दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, देश के प्रति जिस भूमि पे हम जी रहे हैं, जिस भूमि का अन्न, जिस भूमि से प्राप्त जल हम सब ग्रहण करके जी रहे हैं, उसके प्रति हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति हमारी सद्भावना ना हो, हम उदासीन हो जाएं कि नहीं नहीं इससे हमको क्या लेना है, ये तो राजनीति है और ये तो ये है। नहीं, सभी के लिए, चाहे वो साधु हों, सन्यासी हों, गृहस्थ हों, विरक्त हों, वानप्रस्थी हों, सबके लिए, क्योंकि भूमि पे हम जी रहे हैं। साधक जो है साधना में बैठता है, नियम करता है, नियम करने के उपरांत भूमि पे जल रख के भूमि का स्पर्श करके मत्थे पर लगाता है और पृथ्वी से प्रार्थना करता है कि धरती माता, पृथ्वी माता, आपने हमको इतनी देर बैठकर नियम करने का जो अवसर प्रदान किया उसके लिए हम अहोभाव व्यक्त करते हैं। पृथ्वी हमारे सब दोष दुर्गुण क्षमा करती है, हम पृथ्वी पे खनन करते हैं, पृथ्वी पे मल मूत्र त्याग कर देते हैं, थूक देते हैं, पृथ्वी हमारे सब अपराधों को क्षमा कर देती है। तो ऐसी जो क्षमाशील, वैसे संस्कृत वाङ्मय में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है, क्योंकि पृथ्वी जो है हम सबके अपराधों को क्षमा कर रही है, तो उसके प्रति हमारा भी दायित्व होना चाहिए। कम से कम हम जिसकी उपासना करेंगे तो उसके गुण हमारे अंदर आएंगे, हमारे अंदर भी ये क्षमा वाला गुण आएगा। हम भगवान सीताराम जी की आराधना उपासना करते हैं, हम देश को राष्ट्र के रूप में देखते हैं, वो भी भगवान का ही स्वरूप है, और भगवान के गुण, भगवती आदिशक्ति जगदम्बा के गुण हम में आए और आने चाहिए। श्री राम। अभी एक दो प्रश्न हो रहे हैं, आज कल के लिए नहीं रखेंगे।
आज हमारे सनातन धर्म जातियों में बट रहा है, इसके कारण हमारा हिंदू समाज विघटन की ओर जा रहा है। हम प्रतिवर्ष श्री स्वामी रामानंद जयंती मनाते हैं, क्यों न हम सभी वर्णों के लोगों को आमंत्रित करें। जो संदेश हमारे स्वामी जी ने दिया है उस पर चलकर ही हम सनातनी संगठित हो पाएंगे। आगे आप पूर्ण रूप से समझाने की कृपा करें। जय सनातन। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे आचार्य श्री भगवान श्री स्वामी रामानंद आचार्य जी ने सभी को भगवान की प्रपत्ति का अधिकार दिया। जिस प्रकार से भगवान बिना किसी पक्षपात के सभी को श्वास जीवन दे रखे हैं, उसी प्रकार से सभी जीव मात्र को, सभी प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है और भगवान की प्रपत्ति का, भगवान की शरणागति का अधिकार सभी को है। और भगवान के शरणापन होके, भगवान तो कहते हैं कोटि विप्रपद लागे जाऊ आए शरण तजऊ नहीं ताहू। कोई व्यक्ति कितना भयंकर से भयंकर पापी क्यों ना हो, उसने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या, ब्राह्मण अर्थात जो पूरे समाज के लिए ही दिन रात पूरा समय दे रहा है, उसने अपना पूरा जीवन संपूर्ण अस्तित्व के लिए समर्पित कर रखा है, ऐसे ब्राह्मणों को मारने वाला कितना भयंकर पापी होगा। और कोटि विप्र समूह रूप में, कोटि मतलब यहाँ कोई करोड़ों की संख्या नहीं है, कोटि मतलब समूह रूप में, जिसने ब्रह्म हत्यारा जो है, अथवा कोटि का अगर करोड़ों की संख्या भी मान लें तो भी उसमें कोई भूल नहीं होगी। भगवान तो किसी भी प्रकार से, कितना ही भयंकर से भयंकर अपराधी हो, उसको शरण में ले लेते हैं। अब ये जो सनातन धर्म जाति में बट रहा है, चार वर्ण भगवान के द्वारा बताए गए थे, परंतु ये जो जातियों की बात है वो असंख्य हैं। उनकी कितनी संख्या होगी वो भी गिनना कठिन हो जाएगा। एक एक वर्ण में असंख्य जातियाँ होंगी। वर्ण व्यवस्था तक ठीक है, परंतु जहाँ तक जाति की बात आती है, जातियों के नाम पे समाज को बांटना अच्छा नहीं। और भारत में तो बहुत अधिक संख्या में जातियाँ हैं, अगर इनकी लिस्ट तैयार करनी पड़े तो शायद उसमें कुछ ना कुछ जातियाँ छूट ही जाने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि सब जातियाँ, अब जैसे मीना समाज है, मीना में भी फिर अनेक शाखाएँ हो गई हैं। और हर एक समाज में यही स्थिति है, तो उनकी पूरी संख्या की गणना करना कठिन हो जाएगा। और समाज को बांटने की कोशिश नहीं करना चाहिए, धर्म जोड़ने का काम करता है, योग जोड़। हम तो चाहे भक्ति योग के उपासक हैं, चाहे ज्ञान योग के हैं, कर्म योग के हैं, लय योग के हैं, ध्यान योग के हैं, राजयोग के हैं, किसी में भी योग ये संपूर्ण अस्तित्व जो है जुड़ा हुआ है, एक है, एक से एक का जीवन जुड़ा हुआ है। हम अनेकों बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि सूर्य जो है हमारे यहाँ से हजारों मील दूर है, फिर भी सूर्य के प्रकाश से हम सबका जीवन चल रहा है। अगर सूर्य ठंडा पड़ता है तो पृथ्वी पे ना तो वनस्पति रहेगी ना मानव रहेगा। और अन्य जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं उनका भी जीवन संकट में पड़ जाएगा। सूर्य पोषक तत्वों को पृथ्वी पर भेज रहा है, विटामिन डी ही केवल नहीं मिलता है, सूर्य की किरणों में विटामिन D3 तो बहुत प्रचुर मात्रा में है ही,
उसके अतिरिक्त भी पोषक तत्व बहुत से हैं। तो हम सब सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को अर्घ्य दान देते हैं, सूर्य भी अपनी किरणों के द्वारा ये जो ऋतु परिवर्तन इत्यादि होते हैं और सूर्य के अंदर जो उथल पुथल होती रहती हैं, विस्फोट होते रहते हैं, विक्षोभ होते रहते हैं, उन सब का परिणाम इन वनस्पतियों पे, वृक्षों पे, जलाशयों पे, हम सब की बुद्धि पे बहुत अधिक पड़ता है, बहुत अधिक पड़ता है। इसीलिए ज्योतिष में ज्योति को सूर्य के रूप में स्वीकार किया है। ज्योतिष जो है पूरा सूर्य से ही, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रभाव सबसे अधिक है और दूसरे ग्रहों का भी है, चंद्रमा का भी है और भी अन्य अन्य जो सूर्य से बहुत दूर तारे हैं उनका भी है। हम ये नहीं कहते कि उनका नहीं है, परंतु सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो ये सूर्य और पृथ्वी का घनिष्ठ संबंध है और हम सब सूर्य के उपासना अपने अपने ढंग से सब लोग किया करते हैं। तो जातियों के रूप में समाज को बांटना अच्छा नहीं है। समाज को जोड़ने का काम योग कर रहा है, धर्म कर रहा है। अगर हम सही सनातन धर्म के सनातनी हैं तो हम सबको किसी भी प्रकार से समाज को तोड़ने की इजाज़त नहीं है। समाज को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमारे जो आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानंद जी ने कहा कि जाति के आधार पे कोई भी श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट नहीं है। कर्म के द्वारा जीव को ऊंचा बढ़ाया जा सकता है। स्वामी जी के समय में हुआ ये कि लोग ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मान के उन्नति से वंचित रह रहे थे, क्योंकि हम जब अपने आप को पहले से ही श्रेष्ठ मान लेते हैं तो हमारे उन्नति के जितने मार्ग हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए जन्म से नहीं, कर्म से व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, जिससे हम अपने कर्मों को सुधारें। स्वामी जी की मुख्य दृष्टि कर्म पे है, जिससे जीव जो है सत्कर्मों का आश्रय ले, सत्कर्मों पे चले। और स्वामी जी की जयंती के विषय में लिखा गया है, अच्छी बात लिखी है, बहुत अच्छा है। जयंती के समय सभी जातियों के लोग एकत्रित हों, सभी लोग एकत्रित हों, उसमें ना तो किसी वर्ग के हिसाब से ना किसी जाति के हिसाब से भेद नहीं रखना चाहिए और सब परस्पर मिलकर हमारी जो साधना है उसमें सबसे पहले हम माता में देवत्व की भावना करते हैं, मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव, फिर पिता में देवत्व की भावना करते हैं, उसके बाद आचार्य देवो भव, आचार्य में देवत्व की भावना करते हैं, फिर अतिथि में देवत्व की भावना करते हैं, फिर परस्पर देवो भव, एक दूसरे में देवत्व की भावना करते हैं, परस्पर देवत्व, और सबसे अंतिम जो है आत्मदेवो भव, अर्थात साधना की पराकाष्ठा आत्मदेवो भव, अपने अंदर देवत्व को प्रकट करना है, अपने अंदर जो अपना छिपा हुआ परमात्मा है उसको सगुण साकार रूप में प्रकट करना है। परंतु उससे एक नीचे सोपान जो है वो कह रहा है परस्पर देवो भव, एक दूसरे में देवत्व की भावना रखनी है, देवत्व का भाव करना है। तो ये अच्छा विचार है, हम तो सदा से इसके समर्थक हैं, रहेंगे। जय श्री राम। अभी एक बाकी है, खड़ा होने के भागना नहीं, अभी हमने खोला भी नहीं है। परमात्मा के सभी अवतार मेरी जानकारी के हिसाब से भारत देश में ही हुए हैं, फिर भी हमारे देश में हम अलग अलग संप्रदाय में बट कर रह गए और आतताइयों से
हमारी सभ्यता एवं संस्कृति पर गहरी चोट पहुंचाई है एवं मंदिर एवं मूर्तियों का विध्वंस भी किया है। लेकिन देखा गया कि वह लोग काफ़ी समय तक फलते फूलते रहे, परमात्मा ने उनको दंडित भी नहीं किया, वो दिल्ली के बादशाह बने रहे। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी का एक महत्वपूर्ण सूत्र याद कर लेना चाहिए, मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू, सभई सुलभ सब दिन सब देशा। मुद मंगलमय जो संत समाज रूपी चलता फिरता प्रयागराज है, सभई सुलभ सब दिन सब देशा, सब देश में। ऐसा नहीं है जब मुद मंगलमय संत समाज संपूर्ण विश्व में है, संपूर्ण राष्ट्रों में है, तो भगवान का अवतार ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है कि हमारे जानकारी में जो भगवान के अवतार हैं, क्योंकि बहुत से लोग भगवान को 24 अवतार, 10 अवतार, 2 अवतार, मतलब काफ़ी कुछ सीमित करने की चेष्टा करते हैं। भगवान जो हैं उनके अनंत अवतार हैं और सभी जगह भगवान का अवतार होता है, ऐसा नहीं है। आज अमेरिका इत्यादि में, अमेरिका में भी एक शिवलिंग भूमि में से प्रकट हुआ है और उस पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो गल्फ कंट्री खाड़ी देशों में, वहाँ भी एक मुसलमान सुल्तान ने एक मंदिर में अपने प्राण बचाए थे, तो उस मंदिर को ध्वंस नहीं किया गया। मतलब संपूर्ण विश्व में एक समय हिंदू संस्कृति थी और भिन्न भिन्न रूपों में भगवान वहाँ भी प्रकट हुए, भक्तों के ऊपर कृपा की, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। ये हिंदू सनातन धर्म के जो भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोशला, जब सप्त सागर पर्यंत एक भगवान श्री राम का साम्राज्य था, अखंड साम्राज्य श्री राम जी का था, तो संपूर्ण विश्व में राम उपासक थे। संपूर्ण विश्व में ऐसा नहीं है, आज तो हमने भारत को बहुत संकीर्ण छोटा बना दिया। एक दिन भारत उपगन स्थान भगवान श्री राम के समय सप्त सागर पर्यंत भारत था, महाभारत के समय चीन बाहिलिक इत्यादि देश वो सब भी भारत के अंदर जुड़े हुए थे, और मतलब एशिया पूरा, और जो प्राचीन आज से कुछ समय पूर्व के उपगन स्थान जिसको आज अफगानिस्तान कहा जाता है, वहाँ से ब्रह्म देश जिसको बर्मा कहा जाता, अंग्रेजों के समय बर्मा कहा गया, आज उसको म्यांमार कहा जाता है, तो ये संपूर्ण भारत था, उसके 9 टुकड़े हो चुके हैं। अब और ज़्यादा संकीर्ण करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मानना कि भगवान के अवतार केवल भारत में ही, ठीक है आपकी मान्यता को हम स्वीकार कर सकते हैं, परंतु कब? जब भारत सप्त सागर पर्यंत है। भारत, भारत शब्द का होता है भा यानि ज्ञान, भा यानि प्रकाश। हम सब जो भी प्रकाश के उपासक हैं वो सब भारतीय हैं। जो अंधकार में जीना चाहते हैं, जो अंधकार के उपासक हैं, वो निश्चर हैं, आश्रित स्वभाव वाले हैं। हम सब प्रकाश के उपासक हैं। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं दीप प्रज्वलित करके, प्रकाश की साक्षी में करते हैं। शुक्ल पक्ष को हम सब ज़्यादा महत्व देते हैं। इसी प्रकार से
और उसमें भी शुक्ल पक्ष के पंचमी तक चंद्रमा क्षीण माना जाता है और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा का महत्व बढ़ा हुआ होता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकाश की बाहुल्यता से हम दिन और रात में देखते हैं कि कब प्रकाश अधिक है और उसी आधार पे हम शुभ कार्यों को कार्य करते हैं। तो हम सब प्रकाश के उपासक हैं, भारतीय जो हैं पूरे विश्व में हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इसी राष्ट्र में रह गए हों, इस जो वर्तमान में छोटा भारत है, अब इसको तो हम छोटा ही भारत कहेंगे और क्या कहेंगे, और भी कुछ लोग इसको और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इतना तो तोड़ के छोटा कर ही दिया है, अब और भी कोशिश ना की जाए वही अच्छा है। तो अलग अलग संप्रदाय की बात है, संप्रदाय कहते हैं जो परमात्मा से प्रारंभ होता है और परमात्मा से प्रारंभ होके उसमें जो मध्य में आचार्य होते हैं और आचार्य के द्वारा वर्तमान में हमें जो उपदेश मिलता है वो परंपरागत जो उपदेश मिलता है, साधन की जो पद्धति मिलती है उसको संप्रदाय कहा जाता है। तो उपासना हमेशा संप्रदाय अनुसार होती है, परंतु संप्रदाय का मतलब ये नहीं है, हैं तो सब परमात्मा के ही उपासक, हम सब चाहे भिन्न भिन्न संप्रदायों में अलग बटे हों फिर भी हम सब का लक्ष्य परमात्मा ही है। आराधना उपासना के पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं परंतु लक्ष्य परमात्मा ही है। तो इस बात को समझना चाहिए, कुछ लोग संकुचित विचारधारा के कारण इतने कट्टर हो जाते हैं कि अपने संप्रदाय में इतने सीमित जकड़ जाते हैं कि दूसरे संप्रदायों की उपेक्षा करने लगते हैं, उनकी निंदा करने लगते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना, अपने साधन पद्धति को श्रेष्ठ मानना अच्छी बात, परंतु दूसरों को निकृष्ट मानना और दूसरे के इष्ट को हे दृष्टि से देखना अपराध है। भगवत नाम अपराध में 10 अपराध भी हैं, 32 अपराध भी हैं, 64 अपराध भी हैं, बहुत से अपराध हैं, परंतु एक अपराध के भगवान के भिन्न भिन्न रूपों में भेद दृष्टि करना और अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप में परमात्मा लीला किए हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, इसलिए भगवान के भिन्न भिन्न रूपों को अलग अलग मान के आपस में टकराहट की जरूरत नहीं है। बस ये लिखा है कि जो मंदिरों में मूर्तियों को विध्वंस किया लेकिन देखा गया कि वह लोग काफ़ी समय तक फलते फूलते रहे, इस विषय में रावण ने बहुत अनाचार पापाचार अत्याचार किया और फिर भी 72 चौकड़ी तक राज करता रहा। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो पाप कर्म कर रहा था उसके कारण वो राज कर रहा था, उसने जो हजारों वर्ष तक तपस्या की, प्रताप भानु के रूप में जो सत्कर्म किए वो पूर्व के उसके सत्कर्म, फिर रावण के रूप में भी उसने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की है, उन सब का भी लाभ उसको मिल रहा था, परंतु जो वर्तमान में कर रहा था वो उसके द्वारा उसका पाप का फल उसको मिला, रहा न कुल को रोवन हारा राम विमुखस हाल तुम्हारा। तो मंदोदरी कहती है कि भगवान से विमुख होने पर तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। इतना विस्तार वाला परिवार जिसमें कोई भी बाकी नहीं बचा, माताएं बहनें बच गई थीं और सब पुरुष वर्ग सब लड़ लड़ के आपस में मर गए थे। अब मूर्तियों के विध्वंस कैसे कर दिया जाता है, जब मूर्ति अर्चा अवतार है तो वो एक प्रश्न उठता है। वैसे
औरंगजेब ने ज्वाला देवी में एक बहुत बड़ा छत्र चढ़ाया भगवती के लिए, और किस धातु का बनाया उसको अभी तक पता नहीं। तो बहुत सी जगह ये मंदिरों को तोड़ने वाले, मूर्तियों को तोड़ने वाले लोगों ने भी प्रभाव देखा और वहाँ नतमस्तक हुए, क्योंकि मूर्तियों को तो विध्वंस कर ही रहे थे। अब मूर्ति के विषय में, मूर्ति जो है भगवान का अर्चा विग्रह है, तो अर्चा विग्रह को उसका जो पूजक है, पुजारी है, जिस ढंग से पूजा करता है उसका बहुत महत्व होता है। जिस समय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है उसका महत्व होता है, मूर्ति का जब निर्माण होता है उसका महत्व होता है, उस समय जो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उसकी जो जन्म कुंडली बनेगी उसके आधार पे उसकी आयुष निर्धारित हो जाती है। उतनी आयुष पे उसको तो पूरा होना ही है। अब उतनी आयुष पे उसको पूरा होना है, कारण निमित्त कोई भी बन जाए, हमारे शरीर का प्रारब्ध पूरा होना है, निमित्त चाहे रोग बन जाए चाहे कुछ बन जाए, इसका मतलब नहीं रोग ने किसी व्यक्ति को नहीं मारा है, मृत्यु ही सबको मारती है। परंतु मृत्यु ने ब्रह्मा जी से कहा, सब लोग कहेंगे कि इसके मृत्यु आ गई, नहीं कहेंगे, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सब दोष मेरे को ना लगे। उन्होंने कहा कि कोई कारण बनेगा जिससे कि लोग कहेंगे कि अमुक कारण से व्यक्ति मर गया। तो ये मूर्तियों का भी प्रारब्ध, मूर्तियों की भी आयुष सब निर्धारित होती है, और उतने समय तक वो रह के फिर उनको तो पूर्ण होना ही है। तो इसलिए फलते फूलते रहने के विषय में रावण के रूप में समझ लिया आपने, और मूर्तियों के विषय में, और तो परमात्मा ने उनको दंडित नहीं किया, ये आपको कैसे मालूम है? दंड तो उनको मिला होगा, परंतु समय आने पे, जब उनका समय आया होगा तो उनको दंड जरूर मिला होगा, जिन्होंने भी इस प्रकार के गलत कार्य किए हैं। हम और आप कोई भी गलत कार्य करेंगे तो उसको उसका दंड अवश्य में भोगना पड़ेगा, परंतु कब भोगना पड़ेगा? अगर हमारे पुण्य सुकृत पहले के भोत हैं तो उनका फल भी हम भोगेंगे, और उनका फल भोगने के बाद हमारी फिर बाद में दुर्दशा होगी। जय श्री राम।